खबर गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस और आबकारी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है, 7 लाख रुपए बताई जा रही है इस अवैध शराब की कीमत। जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जितेंद्र क्या कुछ जानकारी? देखिए मानो बड़े ही शातिर अंदाज में सप्लाई की जा रही थी और मसूरी में इस शराब की पूरी खेप को फिलहाल बरामद कर लिया है। शातिराना अंदाज था, एक छोटा जो छोटा हाथी जिसे कहते हैं, एक जो छोटी गाड़ी होती है उसके अंदर एक पूरा बॉक्स बनाया गया था लोहे का और उसके अंदर ये शराब रखी गई थी। अगर पुलिस इन्हें रोकती भी थी तो ये बता देते थे कि एक भारी सामान हम ले जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मुखबर की सटीक सूचना पर पुलिस और आबकारी टीम ने छापेमारी कर इस गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी की तलाशी जब ली गई तो भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। इस शराब की कीमत लगभग 7 लाख बताई जा रही है और ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। आबकारी टीम और मसूरी थाना पुलिस की मिली जुली साझेदारी रही है इस पूरे जो ये घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद इसमें मुखबर की भी सटीक सूचना थी और इन सबकी कार्रवाई को लेकर 7 लाख की शराब फिलहाल बरामद कर ली गई है, जो आरोपियों से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये गिरफ्तारी कितनी महत्वपूर्ण, क्या इससे और भी आगे का जो नेटवर्क है, पूरा जो जाल है तस्करी का, क्या उसका खुलासा होगा? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जितेंद्र कि शराब तस्करी को लेकर प्रशासन विशेष तौर पर अलर्ट नजर आ रहा है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए मोनिका, जिस तरीके से इस पूरे शराब कांड का खुलासा हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव थी, मुखबर की सटीक सूचना थी और इस पूरे जो शराब के खेप को पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि आगे भी ऐसी छापेमारियां और ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जी चलिए, शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वही पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में किसानों